जैसे हम लोग एक मिनट वो जैसे हम लोग जीते जीपी में हम लोग अगर जीपी का कोई भी पद अगर हमें निकालना रहे जीपी का कोई भी पद अगर हमें निकालना रहता है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे टीएन बराबर यानी टीएन का मतलब कोई पद एलिट पद यानी पद का मतलब क्या टीएन हम लोग जनरली अंतिम पद के लिए लेते हैं टीएन बराबर हम लोग पढ़े थे ए आर पर पावर एन माइनस वन और ए जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है आर जो होता है हमारा कॉमन रेशियो होता है और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स और वन तो हमारा कॉन्स्टेंट होता है। थोड़ा सा मेरा बात एक मिनट थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए जैसे हम लोग अगर जीपी का बात करें जीपी का हम लोग अगर बात करते हैं तो जीपी में अगर हमें कोई पद निकालना रहे अगर कोई हमें पद निकालना रहे जीपी में तो हम आपको बताए या पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं इस बात को कि अगर हमें कोई पद अगर जीपी का निकालना है तो उस स्थिति में हम लोग करते क्या है से हम लोग यहां पे जीपी का बात करते हो इन चीज क्या यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो अगर हमें कोई पद निकालना है तो हमारे पास क्या होता है टीएन बराबर ए पर पावर ए माइनस यानी अगर हमें कोई भी पद अगर निकालना रहे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है टीएन बराबर ए आर पर पावर एन माइनस वन क्लियर है और वही अगर हमें अगर एस एन निकालना रहे यानी सम निकालना रहे तो हमारे पास दो फॉर्मूला पहला फॉर्मूला हम आपको यह बात बताए थे यदि आर ग्रेटर देन वन रहे यानी आर वन से बड़ा रहे तो हम उसके लिए फॉर्मूला बताए थे ए इंटू आर पर पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन और फिर हम आपको यह भी फॉर्मूला बताए थे कि आर अगर लेस देन वन रहे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या हो ए इंटू वन माइनस आर पर पावर एन माइनस वन माइनस क्लियर है। अब थोड़ा सा एक मिनट इसमें जो है हम लोग को टीएन नहीं पढ़ना और टीएन हम लोग पढ़ चुके हैं। एसएन में एक बीबीआई क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हमेशा रिपीट किया और इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है यानी जब हम लोग मैथ का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो कोई भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो 10 क्वेश्चन पूछता है तो मैथ में क्वेश्चन देखिएगा ना तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देगा यानी एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है और जब आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिएगा तो यह क्वेश्चन पूर्णतः बीबीआई क्वेश्चन है आपको यूनिवर्सिटी के जैसे अगर आपसे क्वेश्चन देखे क्वेश्चन क्या पूछता जैसे क्वेश्चन कहेगा क्या यहां पे 7 + 77 + 777 + 7777 के पदों का योग ज्ञात पदों का योग ज्ञात है। मेरा बात आप समझिए ज्ञात करिए ऐसे हम लोग तीनों क्वेश्चन पढ़ते हो यहां पे क्वेश्चन ऐसे रहेगा अगर हम एपी का बात करें थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए अगर हम एपी का बात करें तो एपी में कौन सीरीज आता है जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो 77 में से 7 घटाइएगा तो कितना है
777 में से 77 घटाएंगे तो कितना है? 700। तो यूपी में हो सकता है? नहीं, यूपी में हो सकता है। अब थोड़ा सा मेरा बात आपसे, अब आप लोग देखते हैं कि कहां पे है, जीपी में है कि कहां पे है। अब हम लोग देखते हैं 77 में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? 11। और 777 में 77 से भाग दीजिए, 11 नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि यहां पे कॉमन रेशियो भी बराबर देंगे। तो यह जो सीरीज हमारे पास दिया है ना, यह एपी में है ना जीपी में, तो हम इसके लिए क्या करते हो? हम इसके लिए ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग लिख देते हैं। और लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। और 7 कॉमन लेंगे ना, तो हमारे पास क्लू पकड़ा जाएगा कि अब इसको कैसे बनाना। देखो थोड़े सा मेरा बात आप समझिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास जो सीरीज दिया 7 प्लस 77 प्लस 777 डॉट डॉट ऐसे ही दिया। अगर हम 7 कॉमन लेते हो, इसमें 7 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 111 डॉट डॉट इन पदों तक। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, ऐसे भी करने पर यह कोई सीरीज में कोई प्रोग्रेशन में आवे नहीं कर रहा। तो हम ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, 9 से गुना करते हैं और 9 से भाग दे देते हैं। तो 9 से अगर गुना करेंगे 9 से भाग देंगे तो आंसर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? किसी संख्या में अगर सेम संख्या से गुणा कर दे और सेम संख्या से हम लोग भाग दे दे तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अब कहेगा सर 9 से क्यों करेंगे? 9 से इसलिए करेंगे ताकि वह प्रोग्रेशन में आ जाए, और आ भी जाता है। थोड़ा सा देखिए यहां पे समझिए, हम यहां पे क्या करेंगे, 7 में 9 से भाग देंगे, गुणा 9 करेंगे, 1 प्लस 11 प्लस 111 डॉट डॉट। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, 7/9 और 9 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 9 प्लस 99 प्लस 999 डॉट डॉट। क्लियर है? अब हम इसको क्या करेंगे, अब इस 7/9 है, हम यहां पे 10-1 कर सकते हैं। हम यहां पे 100-1 कर सकते हैं। हम यहां पे 1000-1 कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, अब यहां पे थोड़ा सा मेरा बात आप समझ लेते, 10 को ले ले, 100 को ले ले, 1000 को ले ले, तो यह तो जीपी में आ जाएगा। अब -1 -1 -1 सभी एक जगह हो, इसका मतलब यह एन टाइम तक चलेगा। अरे एन टाइम तक नहीं चलेगा, नहीं समझ रहा बात। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, हम इसको क्या करेंगे, हम यहां पर इसको क्या करेंगे, 7/9 10 प्लस 100 प्लस 1000 ये ना होगा डॉट डॉट। क्लियर है? अब 1 हमारा -1 1 होते जा रहा था, एने टाइम्स बदले चले जाओ, तो हम यहां पे क्या करेंगे, माइनस। बात समझिएगा, अब यह जो सीरीज है, यह जो जीपी में आ गया, और जीपी में आ गया तो हम अब क्या करेंगे, जीपी वाला फॉर्मूला प्लस में है तो एसएन वाला फॉर्मूला। यहां पे आर बराबर क्या होगा, 100/10 यानी 10, यानी आर हमारा क्या है, 1 से बड़ा है। तो हम यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 7/9 इंटू
जीवन है, पोस्ट में देखे तो गुने ना होगा हो बाप तो पढ़ाओ तो एक मान यहां पर क्या होगा वो दस और आर का मान कितना होगा और पावर माइनस और बचता दस माइनस और माइनस क्लियर है तो हम यहां पर क्या करेंगे सात बटा क्लियर है हम यहां पे क्या करेंगे दस इंटू दस पर पावर एन माइनस बटा माइनस हम यही पे लिख के छोड़ देंगे यही हमारा आंसर है। अब आगे तूरिए के कोण तीर मार लीजिए बाड़ा खिसेड़िए तो गुणे न कीजिएगा जैसे कौन ज्यादा आपको रिजल्ट मिल जाएगा समझ में आया है बात बुझाया हाँ अब थोड़ा सा मेरा बात एक मेरा बात आप समझे क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा अब एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा वो एक प्लस एक नहीं अब तो सब लोगों वाला थोड़ा सा सीख लेते हैं हो जैसे यहां पे क्वेश्चन रहेगा 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.33 डॉट डॉट पदों का योग क्या पदों का योग ज्ञात करें ज्ञात करें यहां भी यही क्वेश्चन तो सेम तो वही बात हो गया यहां पे दशमलव लगा रहे अगर हम तीन कॉमन ले लो तीन कॉमन ले तो 0.1 आ जाए तो 0.1 आएगा तो बना है अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए यहां पे हम तो सोल्यूशन बनाएंगे सोल्यूशन बनाएंगे सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या दिया है 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 डॉट डॉट हम यहां पे क्या करें तीन कॉमन ले 0.1 क्लियर है फिर हमारे पास क्या आ गया 0.1 बड़ा है हाँ फिर हमारे पास क्या आएगा 0.1 डॉट डॉट इन पदों तक क्लियर है अब यहां भी हम लोग 9 से गुणा करेंगे 9 से भाग कर अब थोड़ा सा मेरा पास 3/9 × 9 कर दे और 0.1 + 0.11 + 0.111 डॉट डॉट अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा फिर हम 9 से गुणा कर देंगे 3/9 को ऐसे ही छोड़ देंगे हम यहां पे 0.1 क्लियर है फिर यहां पे क्या हो जाएगा वो 0.+0.……. क्लियर है वो बढ़ाया गया अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझ वो 0.9 है इसका मतलब क्या हुआ एक में से 0.1 घटाएंगे तो 0.9 ना आ जाए अगर हम एक में से 0.1 घटाएंगे तो हमारा 0.9 आ जाएगा अब थोड़ा सा मेरा बात समझ 3/9 + 1 − 0.01 बात समझिएगा तब ना जाके 0.99 आएगा फिर हम क्या करेंगे 1 − 0.00 तब ना जाके आएगा
मतलब एन टाइम्स, और माइनस हो रहा है 0.1 0.1 0.0001। तो इसको देखिएगा ना, तो जीपी में आ जाएगा। अब कहिएगा केना आ जा सर, तो भाग देखे देख लीजिए 0.01 में 0.1 से भाग देंगे, फिर 0.001 में 0.01 से भाग देंगे। आप थोड़ा सा मेरा बात समझिए, इस जीरो को हटाएंगे तो गुना 100, और इस जीरो को हटाएंगे तो गुना, यानी हमारे पास मान क्या आ रहा है 10/100 से ना आ रहा। फिर इसमें इस जीरो को हटाएंगे तो गुना 1000, इस जीरो को हटाएंगे तो गुना, इस जीरो से जीरो काटिए कितना आ जाएगा 1/10, यहां भी 1/10। तो ये आया कि नहीं आया, यानी कॉमन रेशियो यहां पे इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या कि जीपी में या आ जाएगा। आप थोड़ा सा मेरा बात, जीपी में हमारा आ रहा, तो हम यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? हो यहां पे क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे, यहां पे जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, यहां पे 1 माइनस मेरा बात एक मिनट। अब यहां पे क्या कीजिएगा, 3/9 में, और ये हमारा 1/1 जा रहा है, एन कर ले जाएगा। अब माइनस माइनस से रख लीजिएगा ए ए, और 1 माइनस आर पर पावर है, कहे कि यहां पे आर का मान 1 से कम हो रहा है, 1/10 है तो 1 से कम ही ना है भाई। तो ये हमारे पास है कितने, वो 0.1, 0.1 ही ना है, तो क्लियर है ए इंटू 1 माइनस आर पर पावर। तो आर हमारा कितना आया हो, 0.1, 1/10 से आया है, तो हमारा कितना आया हो 0.1 पर पावर, अब बटा 1 माइनस 0.1। अब यही हमारा आंसर है। भारी लगे आप समझ सकते, यानी 9 से हम लोग गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। तो क्लियर है? अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और सुन। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी रहा था, तो इसमें 9 वाला चक्कर नहीं रहेगा, थोड़ा सा मेरा बात आप समझ। क्वेश्चन आपके पास आएगा 1+11+101.1 101 प्लस देने का मन है तो आप दे दीजिए, प्लस 1001.1। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, यहां पे एक है वो, यहां पे 11 है, यहां पे क्या है, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हो 1+10+1, तो क्लियर है। फिर हम क्या लिख सकते हो 100+, फिर हम क्या लिख सकते हैं 1000+1 .1। ये 1 जो है 1 1 1 इस सभी में कॉमन है वो, तो इस 1 1 को हम लोग लेंगे तो ये पद तक जाएगा, लेकिन यह जो दूसरा जो है 10+1 10 100,
इसका मतलब पहला पद हम लोग छोड़ रहे हो, आप दूसरा पद से ना चलिएगा यहां पे। लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप देखिए था, पहला पद कहीं छोड़े थे? देखिए श्रोता, पहला पद छोड़े थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, पहला पद को तो छोड़ देना होगा, यानी दूसरा पद से आपको लेके चलना होगा। तो यहां पे एन का जो मान होगा ना, एन नहीं मानना होगा, एन माइनस वन मानना होगा। यहां पे देखो ना यार, वन तो मेरा पहला पद है कि ना, दूसरा पद से ना यार जीपी में आ रहा हो, क्लियर है? अब थोड़ा सा मेरा बात, अब हम जो बनाएंगे वन 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 जाएगा, वन वन जाएगा ना, तो कितना तक जाएगा वन प्लस, कितना तक है एन तक? एन पद तक ना जाएगा वो, तो एन पद तक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एन हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एन प्लस, अब तो यार जीपी में आ गया, तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, ए, ए का मान कितना है, आर पर पावर, आर पर पावर, तो आर पर पावर आर कितना है, 100 में 10 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, और एन का मान एन माइनस आ माइनस आ बट्टा 10 माइनस, क्लियर है? तो यहां पे क्या कीजिएगा, एन प्लस 10, 10 पर पावर एन माइनस वन, माइनस वन अब बट्टा 9, यही हमारा आंसर। शायद आपको समझ, यानी कहने का मतलब क्या कि हम लोग जो तीन वो क्वेश्चन पढ़े रहे हो, यह तीन क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई है। अगर जीपी में क्वेश्चन अगर पूछता है तो अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, वो मिथिला यूनिवर्सिटी हो तब चाहे बिहार यूनिवर्सिटी हो, आपको 4 साल 5 साल जरूर यह क्वेश्चन मिल जाएगा। तिकोनो भारी है, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डिजिट दिया रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे 9 से, और 9 से भाग देंगे। तो कहिएगा 9 से क्यों ना, क्यों करेंगे सर? तो 9 से करने का कारण क्या है, कि वह 10 के करीब रहता है, उसको जीपी में कन्वर्ट करने में ठीक रहेगा। अब कहिएगा सर हम 8 से कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लेंगे माने 8 से गुना करेंगे, तो 8 से गुना कीजिएगा तब तो फंस जाइएगा, तब तो जीपी में अवेल करेगा। अगर हम यहां पे 8 कॉमन लीजिएगा, यानी 8 से गुना कीजिएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 करना होगा, 10 माइनस 2 करना होगा, 10 माइनस 100 माइनस 2 करना होगा, कहियो जीपी में आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे 9 कॉमन लेते हैं। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसको